हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज हम कलर करने जा रहे हैं इस ड्राइंग को आपके सामने। किंग ऑफ द जंगल हमारे सामने मौजूद हैं, इसे कहते हैं लॉयन। तो लॉयन को हम कलर करने जा रहे हैं। तो हम पेंट ब्रश सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसके निब सबसे छोटा वाला बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, कलर चूज कर लेते हैं पहले। लाइन को सही से हमें कलर करना है। ये लाइन का तो कलर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन टाइगर का ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये कलर है लाइन का। हम पहले जो कर रहे थे वो गलत था, हम ऑरेंज कर रहे थे और लॉयन का कलर कुछ और है। तो लॉयन के फेस पे भी ये कलर होगा और पेट पर, बॉडी के बाकी पार्ट्स पर। और लॉयन के जो बाकी जो कलर होंगे वो ब्राउन होंगे, एयर्स लाइन के ब्राउन होंगे सारे। तो इनको हम ब्राउन कर देते हैं। और टेल भी जो होता है, दुम का जो कोना होता है वो भी ब्राउन होता है। तो हम यहाँ थोड़ा कलर करेक्शन कर लेते हैं। अब इसके अलावा जो पीछे बैकग्राउंड है उसको हम कौन सा कलर दें? ये झंडियां लगी हैं, इनको हम लाल लाल कलर कर देते हैं, रेड कलर। जो सर्कस में आप हमेशा देखेंगे। अब हमारे पास नीचे एक टेबल भी है, जहां ये अब इसको हम क्या कहें, अर्थ है, जमीन है। जमीन को हम कौन सा कलर करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले आसमान को लाइट ब्लू कलर कर देते हैं। मुझे लाइट ब्लू कलर बहुत ड्राइंग में करना पसंद है। तो आप हमेशा मुझे देख रहे होंगे, मैं अपने और ड्राइंग के बैकग्राउंड में लाइट ब्लू कलर कर देता हूँ। और गाइज, अच्छा भी लगता है लाइट ब्लू कलर्स के साथ। आप देखें यहाँ रेड के साथ कितना अच्छा लग रहा है इसकी लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन। सारे कोने कवर कर लेना है एक एक करके लाइट ब्लू कलर। अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड पे, अगर नहीं लग रहा होगा एट द एंड हम चेंज कर लेंगे इसको। शेर के सामने खाना पड़ा है, अब गोश्त पड़ा है। गोश्त तो लाल कलर का होगा, तो लाल ही कलर करेंगे इसको। और प्लेट को हम अपने तरफ से कलर दे देंगे। ये शेर की ताली है जिसमें खाना खाएंगे शेर। ये हमने कलर कर दिया लाइट ग्रीन और येलो। अब इसको करेंगे ग्राउंड को हम कौन सा कलर करें? ये नेचुरल नहीं लग रहा ना, लेकिन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नेचुरल लगे। ग्रे कलर कर देते हैं, क्या बोलते हो आप? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ग्रे कलर सूट किया तो सही, वरना तो चेंज कर लेंगे हम। बच्चों क्या बोलते हो? मुझे तो ग्रे कलर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फर्श होते हैं ना वो ग्रे कलर के ही होते हैं। अगर आप सीमेंट लगाओगे तो ये सीमेंट के फर्श पर मौजूद है हमारे शेर टाइगर। ये जंगल तो है ही नहीं, इसके सामने मग्गा पड़ा है जो शेर जिसमें खाना खाते हैं, पीछे झंडियां लगी हैं। तो जाहिर सी बात है,
तो हमें भी करना पड़ता है कुछ एडजस्ट। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब टोको, अपने हाथों को मत रोको।